बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर एक, हरीश हमेशा कौन सी बात कहता था? उत्तर, हरीश हमेशा बस एक मिनट कहता था। उत्तर सॉरी प्रश्न नंबर दो, परिवार के लोग क्या देखने जा रहे थे? उत्तर, परिवार के लोग सर्कस देखने जा रहे थे। प्रश्न नंबर तीन, हरीश को अकेले भोजन क्यों करना पड़ता था? उत्तर, हरीश हमेशा देर से आता था इसलिए उसको अकेले भोजन करना पड़ता था। प्रश्न नंबर चार, पाठ में आए महापुरुषों के नाम लिखिए। उत्तर, विवेकानंद, शंकराचार्य और स्वामी रामतीर्थ आदि महापुरुषों के नाम हैं। प्रश्न नंबर पाँच, आज का काम कल पर टालने से क्या हानि होती है? उत्तर, आज का काम कल पर टालने से हमारा कोई भी काम समय पर नहीं होता, वह टलता जाता है। प्रश्न नंबर छः, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्लय होएगी बहुरी करेगा कब? इस दोहे का अर्थ लिखिए। उत्तर, हमें कल करने वाला काम आज ही कर लेना चाहिए और आज करने वाला काम उसी समय तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले पल में क्या हो किसी को पता नहीं होता है, फिर कब होगा। प्रश्न नंबर सात, हरीश परीक्षा में क्यों नहीं बैठ पाया? उत्तर, हरीश परीक्षा में 20 मिनट बाद पहुंचा इसलिए प्रिंसिपल सर ने उसे परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया। प्रश्न नंबर आठ, समय का पालन करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, समय का पालन करने वाला बुद्धिमान होता है। समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव है, इसलिए कल की सोच त्याग कर आगे बढ़ो और अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। बच्चों अभी हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, शब्दार्थ सब देखें। आप सुंदर अक्षरों में, स्वच्छ अक्षरों में कॉपी को तैयार करना, कॉपी सुंदर तरीके से लिखकर स्कूल में देना है।